मुंबई शहर सपनों का, सितारों का, चकाचौंध का, बॉलीवुड का। कभी सोचा है कि किस्से कहानियों से भरा ये बॉलीवुड आखिर मुंबई में ही क्यों बसता है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कहानी महाभारत को खुद अपने हाथों से लिखने वाला, सबके सपनों को सिद्ध करने वाला, सबका नायक वो सिद्धि विनायक मुंबई में जो विराजमान है। यूं तो बप्पा के शहर में करोड़ों कहानियां हैं, पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक्शन भी है, रोमांस भी, ड्रामा भी है और ट्रेजेडी भी, जिसमें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सारे मसाले हैं। साथ में है खुद सिद्धि विनायक, जो कहानी आपने ना पहले कभी देखी होगी ना सुनी होगी। समय है साल 2003। सर्वकारिषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकारिषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकारिषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय। डर लग रहा है।
सिद्धि तू घबरा मत, मैं एकदम आगे बैठूंगा और तू मुझे ही देख के डांस करना, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ आयशा बेटा रेडी हो आप? हाँ फातिमा आप रेडी हो? कृपा रेडी रहना बेटा, ठीक है आप लोग रेडी हो ना? भाव भाव सिद्धि की परफॉर्मेंस में और कितना टाइम बाकी है? अर्धतास, ठीक 11 बजे। सिद्धि तू चिंता मत कर, तेरी परफॉर्मेंस में ना अभी आधा घंटा है, तब तक तेरे बाबा आ जाएंगे। विनायक, विनायक तू यहाँ पर है? देखा मैंने बोला था ना अपना विनायक यहाँ सिद्धि के साथ ही होगा। नील दीपक तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम विनायक को लेने आए हैं, विनायक के बगैर हमारी टीम मैच हारने वाली है। हारने वाली है? हारी तो नहीं ना, तुम लोग बाहर खड़े रहो मैं आता हूँ। ठीक है। सिद्धि तू चिंता मत कर, मैं यूं गया और यूं आया। पक्का ना? मैंने तेरा साथ कभी छोड़ा है क्या? बप्पा शप्पत, बप्पा शप्पत। शिट यार, शिट यार, आउट हो गया। ए विनायक तू कहाँ था? अगर हम मैच हार जाते तो? अबे तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से मुझे बैठ दो वरना मैं जाता हूँ। सिद्धि ये चिवताई बाबा। अरे वाह परी लग रही है मेरी चिवताई तो। डर लग रहा है क्या बेटा? हो बाबा। यहाँ पे सारी लड़कियां तेरी उम्र से बड़ी हैं इसीलिए डर लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आपकी उम्र 13 साल की होनी चाहिए, पर तू तो अभी 9 साल की है फिर भी तुझे ले लिया। पता है क्यों? क्योंकि तू बहुत अच्छा नाचती है। माजी चिवताई एक नंबर, समझ ला? एक नंबर। हाँ जोरात बोल। एक नंबर। अजून जोरात बोल। एक नंबर। और तभी मैं तेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। मेरे लिए? और नहीं तो क्या, तेरी आई के लिए। आप भी ना। कंपटीशन तो हो जाने दीजिए पहले। अरे कुटला कंपटीशन सविता, मेरी सिद्धि तो कंपटीशन पहले ही जीत चुकी है और इसलिए उसे गिफ्ट भी अभी मिलना चाहिए। हाँ बेटा ये देख सिद्धि नंबर 1। हाँ आवड़ तुला? हो बाबा। सिद्धि रेडी है ना? देखो अभी 5 मिनट में तुम्हारा नंबर आने वाला है। बाबा। हाँ बेटा। वीनू 5 मिनट में आएगा ना? अरे हाँ बेटा आ जाएगा। ए चिवताय घाबरू नको। माजी चिवताय एक नंबर। घबराएगी तो नहीं ना बेटा? बाबा आपके लिए कुछ भी। We'll be right back.
तू घबरा मत, मैं एकदम आगे बैठूंगा और तू मुझे ही देख के डांस करना, मैं हूं ना तेरे साथ। सिद्धि शुरू हो जा बेटा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि पुण्यचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि वैसे तो उम्र इनकी काफी कम है, लेकिन अपनी कला से आज हम सभी लोगों का दिल जीत लिया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस साल की नृत्य प्रतियोगिता की विजेता। सिद्धि जोशी का अरे सविता, कहाँ है तेरी सहेली? अरे आती ही होगी, आप तो जानते हैं ना मंजरी को, वो कहीं भी कभी टाइम पर नहीं पहुंचती। हाँ, एक तेरी सहेली है मंजरी, जो वक्त से हमेशा दो कदम पीछे चलती है, और एक है उसका पति शंकर, जिसे हमेशा वक्त से दो कदम आगे चलने की पड़ी रहती है। आओ राव दियाना। अच्छा आप एक बात बताइए, शाम को आरती में आ रहे हैं ना? क्या सविता, अरे पता तो है तुझे गणेश उत्सव के इन 11 दिनों में कितना काम होता है, और ऊपर से हमारे डिपार्टमेंट को खबर मिली है कि एक दारू का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट स्मगल होने वाला है। अरे वो तो सिद्धि का परफॉर्मेंस था, इसलिए 2 घंटे की छुट्टी मुझे मिल गई। शाम का आना तो संभव नहीं हो पाएगा सविता। चिवताई चल, मैं निकलता हूँ, तू जा बप्पा की आरती के लिए और तेरा बाबा चला अपनी ड्यूटी करने के लिए। चल। हेलो इंस्पेक्टर अनिकेत की लड़की मिली। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं बॉस, इंस्पेक्टर अनिकेत की बेटी हमारे सामने, आज वो सिद्धि विनायक मंदिर से अपने घर नहीं पहुंचेगी, हम लोग उसे खाई लेंगे।
नमस्कार मौशी। अरे नमस्कार नमस्कार, आज तू अकेली आई, तेरी दोस्त मंजरी कहाँ है? वक्त पे आना तो उसकी आदत ही नहीं है ना। इकड़े इकड़े। मौशी, पिछले 35 सालों से मैं और सभी बापा के दर्शन के लिए हर मंगलवार आते आते कि नहीं, आज क्यों नहीं आऊंगी? अरे माइते माइते, तुम दोनों को बचपन से जानती है। एक सविता है जिसे बापा के सिंगार के आगे कुछ दिखाई नहीं रहता, और तू है जिसे खुद के सिंगार के आगे कुछ पड़ी ही नहीं है। तू पर ना उषा मौशी, अरे आज के दिन बापा के दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। अब बापा के सामने थोड़ा बन ठन के जाऊंगी तभी तो बात बनती है। अरे समझा करो ना। तू ना सुधरेगी नहीं। अरे मेरी छोटी आजी, कैसा रहा तेरा कॉम्पिटिशन? हे बक, सिद्धि नंबर वन और ट्रॉफी। बहुत ही बढ़िया, ये ले मेरी तरफ से ये मोदक। हे काय उषा मौशी, सिर्फ मोदक से काम नहीं चलेगा। हाँ शेरनी है मेरी सिद्धि शेरनी, तभी तो मैंने इसका नाम सिद्धि रखा है। शगुन के 11 रुपए बनते हैं कि नहीं? दे दे दे। अरे देती हूँ देती हूँ, मेरी छोटी आजी को ना कैसे कह सकती हूँ। हाँ ले, तू हट हट। विनायक नालायक, सिद्धि से सीख कुछ। माँ। क्या मामा कर रहा है? हाँ और ये सब क्या है? हाँ सब जानती हूँ मैं, तू फिर से मारपीट करके आया है ना? नहीं। हाँ? अरे मौसी, विनायक को मत डांटो, उसने कोई झगड़ा नहीं किया। अरे तो फिर ये सब? ये तो भाग भाग के मेरा डांस देखने आ रहा था तो बस गिर गया। अब इसे कुछ मत कहो। इसे ना बस विनायक की वकालत करने का मौका मिलना चाहिए। राहु देना। मौसी आप पूजा की थाली दीजिए। अरे नारियल कूटे? नारियल खत्म हो गए, सुधाकर से नारियल ले ले। ठीक है चल चल चल। अरे सुधाकर। ओ मौसी, तना दो नारियल दे। सुना प्रकाश में जाके कोथिंबीर वड़ी खाएंगे, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। भाव ये लो। अरे नहीं नहीं, अरे अनिकेत भाव के वजह से तो हमें हफ्ता नहीं देना पड़ता, उन्हीं के वजह से तो ये दुकान चल रही है। पैसे तो लेने पड़ेंगे वरना मेरे घर की शांति खत्म हो जाएगी। नहीं बहनी नहीं। अरे सुधाकर पैसे ले लेना। अरे मानेगी नहीं वो, तुझे पता है ना अपना अनिकेत उसूलों का कितना पक्का है। ले लेना पैसा। अरे रख लो सुधाकर भाऊ, चल। बग बग, कैसे मेरा शाहरुख तेरी काजल को भगा के लेके जा रहा है? ना ना, ऐसे तो ऋतिक अमीषा पटेल को लेकर भागा था, कहो ना प्यार है मैं। आहा बढ़िया है ऋतिक वाली। नमस्कार वहिनी। नमस्कार, कैसे आप भाव? ये सब कितना मानते हैं ना अनिकेत भाव को। ये सब ना बप्पा का आशीर्वाद है, वैसे उनकी ईमानदारी का फल भी है। सिद्धि के बाबा जितना कमाते हैं ना हमारे लिए वो काफी है। एक तेरा वाला है, जितना मिलता है उसी में खुश रहता है, और एक मेरा लॉरी वाला, अरे उसे जितना मिले उतना कम है। लॉरी वाला तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कोई तेरा पड़ोसी है। जान छिड़कता है वो तुझ पर। अरे तो मैं भी तो जान छिड़कती हूँ उसमें। मेरी जिंदगी में ना एक तरफ तू है तो एक तरफ वो मेरा प्यारा पति शंकर। एक डोड़ आया मैं कट बिच छोड़ आया। शोके, तू देखते जा, अगर ऐसे अपना काम चलता रहा ना तो बहुत जल्द सारे के सारे लोग अपने को सलाम ठोकेंगे। क्या बात है उस्ताद, अभी तो एक ही लॉरी है ना अपने पास। ओ तू देखते जा, मैं लॉरियों की लाइन लगा दूंगा। लाइन सही कह रहे उस्ताद, लॉरियां जब होंगी तब होंगी। अभी वो देखो माम में खड़े हुए हैं आगे लाइन लगा के हमारी आरती उतारने के लिए और हमारा माल कब जाने के लिए। ए साइड में आए, साइड में लगा, साइड में। क्या भाव? और कौन है गाड़ी में? ए अशोक आजा। कहे तुमने साहब इधर भी नाकाबंदी, क्यों धूप में अपना रंग काला कर रहे? अरे खाट पे जाइए और ठंड पाइए। ए शंकर तेरा बोल बचन कम कर, साला तेरे ऐसा काला धंधा करने वालों ने परेशान करके रखा है हम लोगों को। चल बता क्या ले जा रहा है ट्रक में? ग्रे मार्केट का मस्त माल है, आइए दिखाता हूँ। आओ 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 आओ।
उस्ताद जी क्या बोल रहे हो? ओ शोकी रुक जा, भी देख तू इसको शीशे में कैसे उतारता हूँ। ओ शोकी खोल इसको, चल। जी ये लो, बिना बिल के मोबाइल फोन्स, वो भी इतने सारे। काय तुंडे साहब, ग्रे मार्केट का माल है, बिल कहाँ से आएगा? ओ जी आप बिल छक दो, आप तो जो है बाबी जी के दिल के बारे में सोचो। सोचो जब आप ये लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल जब उनके हाथ में रखोगे, उनका दिल तो बल्ले बल्ले हो जाना है। ओ बाबी जी, तो बाबी जी जब ये लेटेस्ट मोबाइल जो है आप अपने सीनियर नायक साहब के हाथ में रखोगे तो वो क्या सोचेंगे? आपके तो बल्ले बल्ले हो जाने। रखो। अरे इसके पास दे, बाद में लेगा इससे मैं। ठीक ठीक, अभी ये सब तो ठीक है, लेकिन तू एक बात बता कि पैसा कितना देगा? क्या गए तुंडे साहब, मैं आपको सामने से चढ़ावा दे रहा हूँ, आप जो है दान दक्षिणा पेटी में मुंह मार रहे हैं। एक बात याद रखना, कभी भी जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एकदम से हलाल नहीं करते। चलो भाओ, अब आप भी शांति से जाओ और हमको भी शांति से जाने दो। बड़ा चालू आदमी निकला तू, बहुत सस्ते में पटा लिया मेरे को। चलता है। ताला नौटंकी। क्या उस्ताद, बब्बन सेठ के माल पे हाथ साफ करते हुए आपको डर नहीं लगता है क्या? चोर के घर में चोरी करने वाला चोर नहीं कहलाता। एक बात याद रखना, इस शहर में अगर बड़ा बनना है ना तो दो बातों का होना बहुत जरूरी है, एक तो बड़ा जिगरा और दूसरा गणपति बप्पा का आशीर्वाद, और अपने पास दोनों ही है। बोलो गणपति बप्पा। गणपति बाप्पा। सविता और मंजरी, आप दोनों बचपन से ही बप्पा के दर्शन करने के लिए हर मंगलवार को मंदिर में आते हैं, और अब बच्चे भी। आप दोनों के ऊपर पप्पा की कृपा हमेशा बनी रहे, और आप हर मंगलवार को इसी तरह से दर्शन करने आते रहो। क्यों आओगे ना? जी पंडित जी। पप्पा चप्पल। सिद्धि तू बैठ, में चप्पल लेकर आता हूँ। सिद्धि ये ले तेरे चप्पल। सिखाया विनु, अब तो लेस बांधना सीख जा। आ चल फिर से सिखा दूं। तुझे क्या लगता है, विनायक को सच्ची में लेस बांधना नहीं आता, या फिर सिद्धि से लेस बंधवाने के लिए ये सब नाटक करता है? देखना कैसे ख्याल रख रही है उसका। देवा श्री गणेश